सोया चाप मसाला। ये जो चाप है मैंने इसको पहले बॉईल कर लिया था 10 मिनट। बॉईल करने के बाद अब मैं इसको फ्राई करूंगा बहुत हल्की आंच पे। ये मैंने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया, और फ्राई करने के लिए जो है मैंने नेचर फ्रेश लिया है, जो कि मेरे को पर्सनली सबसे बेस्ट रिफाइंड लगता है। अब इसकी आंच को हम हल्की कर देंगे और ये अपना 10 मिनट तक फ्राई होगी हल्की आंच पे। जब तक उसकी वो चाप फ्राई हो रही है मैं इसको तब तक उसका मसाला बना लेता हूँ। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था चिकन करी की, उसमें सेम वही प्रोसीजर है इसका भी। मैं इसको भी सरसों के तेल में ही बनाऊंगा। जितने भी ये मसाले वाली डिशेज होती हैं, अगर आप उनको सरसों के तेल में बनाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वैसे ही तेल को काटेंगे हम जलने के बाद, और वही मैं इसमें पंसारी का ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। वही देखिए वही तरीका है तेल काटने का, मैं वही तेल काट रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा हींग, जीरा, ये अब इसमें जाएगा साबुत धनिया। साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड हरी मिर्च। इसको थोड़ा सौते करूंगा मैं। जैसे ये ब्राउन होगा फिर मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। देखिए हमारा जो मसाला था जो मैंने डाला था वो हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगा स्लाइस अनियन, और हम इनको ब्राउन करेंगे। इस स्टेज में मैं थोड़ा सा इसमें पिसा हुआ प्याज भी डालूंगा। और ये जाएगा थोड़ा सा नमक, और हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए अभी हमारा मसाला भून रहा है चाप के लिए। अभी ये 70% डन है, तो इसके अंदर इस टाइम पे मैं डालूंगा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगा। ये डालूंगा थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाला डाला है वो उसमें रच जाए, और ये प्याज को भी उस बारीक करने में इसमें मदद करेगा। अब इसमें डालूंगा मैं इलायची, एक तेजपत्ता, थोड़ी सी जावित्री और एक दो लौंग। अब इसमें डालूंगा मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये वो मिराया का पेस्ट है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, और इसका जो टेस्ट जो आता है खाने के अंदर इट्स एक्सीलेंट। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अब इसमें जाएगा टमाटो प्यूरी, अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम उसी हिसाब से डालेंगे जो कि पहले भी हमने इसमें नमक डाला था। ये जाएगा इसके अंदर देगी मिर्च, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च। भाई जैसे मैं हर बार ही बताता हूँ आपको, धनिया और अदरक भूनते टाइम, ये इसमें गया थोड़ा सा दही, ये इसमें जाएगा थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि चाप का मजा तभी आता है जब चाप थोड़ी सी चटपटी हो। जो मैंने चाप फ्राई की थी उसको मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था, अब मैं वही चाप को साबुत ही ऐसे डाल दूंगा इसके अंदर, और अब हम इस चाप को भूनेंगे इसके साथ। ये जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखिए। अगर आपको ड्राई चाप खानी है तो ये हमारी चाप रेडी है ड्राई चाप के लिए। और इसका अगर थोड़ा ग्रेवी बनानी है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी आप ऐड करें और फिर इसको थोड़ी सी ग्रेवी के साथ करें। मैं इसको लटपटा बना रहा हूँ तो मैं उसी हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करूँगा और इसको जो है सर्व करूँगा। बस ये देखिए हमारी लटपटी चाप, या आप कह सकते हैं सोया चाप मसाला,
अब तकरीबन तकरीबन तैयार है। ये गया इसके अंदर अदरक का लच्छा और ये गया धनिया। लो जी साड़ी चाप मसाला रेडी है जी। घर में बनाइए ज़रूर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसे बनी है। चलिए अब हम अपनी डिश को डिश आउट करते हैं। ये है हमारी लटपटी सोया चाप मसाला। ये हमारी लटपटी चाप सोया मसाला रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।